गॉस थ्योरम समझने के लिए बस एक लास्ट टर्म और रह गई समझने के लिए। जब भी हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक सरफेस, और इस सरफेस का नाम होता है स्पेशली गॉशियन सरफेस। गॉशियन सरफेस, तो गॉशियन सरफेस क्या है? गॉशियन सरफेस क्या है? क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज सरफेस ऐसी सरफेस दैट इंक्लूड ऑल द चार्ज अंडर कंसिडरेशन, ऑल द चार्ज अंडर कंसिडरेशन इन इट। एक क्लोज सरफेस जो अपने अंदर वो सारा चार्ज समेट लेती है, समेटे रखती है। कौन सा चार्ज? जिस चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं गॉस थ्योरम के लिए। हो सकता है कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर भी हो, लेकिन जिस चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं, जितना चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं गॉस थ्योरम में, वो सारा का सारा चार्ज सिमटा हुआ होना चाहिए किसके अंदर? क्लोज सरफेस के अंदर। यही सरफेस कहा जाएगी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसी क्लोज सरफेस है, ध्यान रखिएगा, क्लोज सरफेस है। इसके अंदर एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं होल नहीं है, बिल्कुल क्लोज जो सरफेस है ये थ्री डायमेंशनल होगी है। और क्या है कि सारा चार्ज जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं गॉस थ्योरम में, वो सारा चार्ज इसके अंदर है, और बाकी जिसे आपको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के बाहर हो सकता है। चार्ज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशंस हैं, दोनों ही कंडीशंस हैं। चार्ज हो भी सकता है इसके अंदर, चार्ज नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, तो सीधी सी बात है, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट इज अ क्लोज सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इंक्लूड ऑल द चार्ज अंडर कंसिडरेशन इन इट। सारा का सारा चार्ज जो कंसिडर आप कर रहे हैं वो सारा चार्ज इसके अंदर ही है। या बताऊं अलग से प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी है दोनों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्लोज सरफेस है, दूसरी प्रॉपर्टी जिस चार्ज को आप कंसिडर कर रहे हैं वो सारा चार्ज इसके अंदर है। सिंपल सी कहानी है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ और खास बात है ये कि शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस डज नॉट मैटर। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस गॉशियन सरफेस की शेप क्या है और साइज क्या है। गॉशियन सरफेस इररेगुलर भी हो सकती है और सिमिट्रिकल भी हो सकती है। गॉशियन सरफेस ऐसी इररेगुलर भी हो सकती है, गॉशियन सरफेस आपकी सिमिट्रिकल भी हो सकती है। जैसे क्या है ये? स्फेरिकल, ये आलू के जैसी हो सकती है, इररेगुलर शेप की, कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है। ये स्फेरिकल भी हो सकती है, बॉल के जैसी। ठीक है, ये कैसी हो सकती है? क्यूब हो सकता है या क्यूबॉइड भी हो सकता है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसी सरफेस आप बना लेंगे। दूसरी बात ये कि इसका जो साइज है वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब आपने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करा, ये वाला या ये वाला कंसीडर कर लिया, बस सीधी सी बात ये है, जिस चार्ज को आप कंसीडर कर रहे हैं वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। Q1, Q2, Q3, चाहे आप ये वाली कंसिडर कर लें या ये कंसिडर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज से कोई मैटर नहीं है, इसका चार्ज के अंदर होना चाहिए। जिस चार्ज को भी आप कंसिडर कर रहे हैं, पहली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑल द चार्ज, कौन सा चार्ज? सिर्फ वो वाला चार्ज जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं मैथमेटिकली गॉस थ्योरम में अंडर
कंसिडरेशन मस्ट बी इनसाइड द गॉशियन सरफेस. गॉशियन सरफेस के अंदर ही होना चाहिए वो चार्ज, गॉशियन सरफेस के बाहर ना हो बिल्कुल भी. और सेकंड, साइज से कोई मतलब नहीं है, शेप से कोई मतलब नहीं है. और एक और बात है, क्या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर. चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कि चार्ज कहाँ है. मतलब आपने गॉशियन सरफेस कहीं पर कंसीडर करी, ये वाली स्फेरिकल गॉशियन सरफेस आपने कंसीडर कर ली, तो सारा चार्ज इसके सेंटर पर है या चार्ज यहाँ 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 फैला हुआ है, Q1, Q2, Q3, Q4, चाहे वो एक तरफ हो या पूरे में फैला हुआ हो या सेंटर पर रखा हुआ हो. गॉस थ्योरम को इससे कोई मतलब नहीं होता. शेप और साइज से गॉस थ्योरम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कोई भी शेप हो सकती, कोई भी साइज हो सकता है. दूसरा कि डिस्ट्रीब्यूशन गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज कहाँ है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं. बस सीधी सी बात यह है कि अगर हम ये 1, 2, 3, 4, 5 चार्ज कंसिडर कर रहे हैं तो ये पांचों के पांचों चार्ज गॉशियन सरफेस के अंदर ही होने चाहिए, अंदर होने चाहिए. बस अंदर कहाँ हो इससे कोई मतलब नहीं है. अब एक बात और है, खास बात कि गॉशियन सरफेस का जो शेप और साइज है ये मैटर नहीं करता. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या शेप कंसीडर कर रहे हैं या क्या साइज कंसीडर कर रहे हैं. बस बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि सारा का सारा चार्ज जो आपने कैलकुलेशन में लेना है, चार्ज तो वो भी हो सकता है जो आप कैलकुलेशन में नहीं ले रहे, लेकिन जो चार्ज आप कैलकुलेशन में ले रहे हैं वो चार्ज इसके अंदर होना चाहिए. कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, चाहे पूरा का पूरा इसके बीचों बीच रखा हो या इधर उधर फैला हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हमारी जो प्रेफरेंस है, हम प्रीफर करेंगे प्रीफर टू कंसीडर सिमेट्रिकल गॉशियन सरफेस. हम कोशिश करेंगे कि जहां तक संभव हो सिमेट्रिकल गॉशियन सरफेस हम कंसीडर करें. और सिमेट्रिकल में सबसे सिंपल कौन सी है जो हर तरफ से सिमेट्रिकल है. किसी भी डायमीटर, कहीं भी एक डायमीटर बना लो, हर डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल है. कौन सा? स्फेरिकल. तो हम कोशिश करेंगे सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में भी कोशिश करेंगे स्फेरिकल हो जाए. अगर बाय द वे स्फेरिकल नहीं कर पा रहे, कब नहीं कर पाएंगे स्फेरिकल, ये आपको क्लियर होगा अभी जब हम आगे करते चले जाएंगे. बहुत सारी कंडीशंस होती है कि वहाँ स्फेरिकल कंसिडर करने से और मामला उलझ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो फिर सिलिंड्रिकल कंसिडर ना करके स्फेरिकल कंसिडर ना करके हम कोशिश करेंगे कि कहीं सिलिंड्रिकल हो जाए. कम से कम सिलिंड्रिकल भी सिमेट्रिकल तो होता ही है, इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल होता ही है. अगर मैं यहाँ एक्सिस लूंगा तो नहीं है सिमेट्रिकल, यहाँ एक्सिस लूंगा तो नहीं है सिमेट्रिकल, लेकिन कहीं तो कोई तो एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है. तो स्फेरिकल अगर ना कर पाएंगे तो कोशिश करेंगे सिमेट्रिकल हो जाए. सिमेट्रिकल भी ना अगर बात बन पाए तो कोशिश करेंगे कि क्यूबिकल हो जाए, क्यूब क्यूब की फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे. मतलब कोशिश ये करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिकल हो. मोस्ट सिमेट्रिकल तो स्फेरिकल है, उससे कम सिमेट्रिकल सिलेंडर है, उससे कम सिमेट्रिकल क्यूब है, उससे कम सिमेट्रिकल क्यूबॉइड है. कोशिश ये करनी है कि सिमेट्रिकल ही कंसिडर करनी पड़े, इसका चांस कम पड़ता है. ज्यादातर केसेस में इससे काम चल जाता है स्फेरिकल सरफेस से. कहीं कहीं इक्का दुक्का चांस हमें पड़ता है जहां स्फेरिकल में मामला और ज्यादा उलझ जाएगा, लेकिन लेस सिमेट्रिकल यानी सिलिंड्रिकल सरफेस आप कंसिडर कर लें तो काम ज्यादा आसानी से बन जाता है. कुछ क्लियर हुई बात? ये गॉशियन सरफेस है. गॉशियन सरफेस आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी.
आपको तो खुद बनानी पड़ेगी, एक क्लोज सरफेस ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें कि सारा का सारा चार्ज जो कंसीडर कर रहे हैं वो सारा चार्ज उसके अंदर 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 आ जाए। शेप चाहे कुछ भी हो, साइज चाहे कुछ भी हो, लेकिन सीधी सीधी सी बात है कि जो भी चार्ज आप कैलकुलेशन में ले रहे हैं वो चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के अंदर ही आना चाहिए, या इसका दूसरा वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया केवल उसी को चार्ज को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अपनी इक्वेशंस में कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाहर का चार्ज हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं उस चार्ज से कुछ भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा भी हो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा चार्ज एक जगह सिमेट्रिकली सेंटर पर लिखा हो या कहीं इधर उधर रखा हो सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज कहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके गॉसियन सरफेस के अंदर।